तो दोस्तों अक्सर क्या होता है कि हमारे फोन में कम जीबी रैम होने की वजह से हम ना कोई हाई ग्राफिक्स का गेम खेल पाते हैं ना ही अपने एंड्रॉयड फोन को सही से यूज कर पाते हैं। जब भी आप कोई हाई ग्राफिक्स का गेम खेलना स्टार्ट करोगे तो आपके फोन में लैग की प्रॉब्लम आने लगेगी, हीटिंग की प्रॉब्लम आने लगेगी, आपका फोन रुक रुक कर चलने लगेगा। और अब जब नॉर्मली यूज करोगे तभी भी आपके फोन में लैग की प्रॉब्लम आएगी या आपका फोन रुक रुक के चलेगा। ये सब होता है सिर्फ और सिर्फ रैम कम होने की वजह से। अगर आपके फोन में ज्यादा रैम है तो आपके फोन में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगा, आपका फोन एकदम अच्छे से चलेगा। तो आज के इस वीडियो में यही आपको बताने वाला हूं कि आपके फोन में अगर 1 GB, 2 GB, 4 GB रैम है तो आप उसे कैसे बढ़ा सकते हो, रैम को कैसे इंक्रीज कर सकते हो अपने एंड्रॉइड फोन में, वही आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आपके भी फोन में कम जीबी रैम है और आप भी रैम को बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो को कर दो लाइक और एंड तक कंटिन्यू देखते रहो। वीडियो को लाइक कर दिया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि जब नए वीडियो आए तो आप लोग नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सको। बस इतना सा काम आप लोगों को कर देना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे कि आपको पता है एक सेटिंग एंड्रॉइड फोन में देखने को मिलता है एक्सटेंडेड रैम करके। ये हर एक डिवाइस में आपको, ये हर एक एंड्रॉइड फोन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, अक्सर ये महंगे फोन में ही देखने को मिलता है। अगर आप नॉर्मल फोन परचेस किए हो तो उसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक्सटेंडेड रैम वाला जो ऑप्शन है। सिंपली आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको रैम वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप रैम वाले ऑप्शन पे जाओगे देन रैम पे क्लिक करना है। जैसे आप रैम पे क्लिक करोगे यहाँ पे मैंने एक्सटेंडेड रैम वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑन कर रखा है। जैसे आप इसे ऑन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 GB रैम जो है आपके फोन में बढ़ जाएगा। और यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ आ जा रहा है देख सकते हो 12+4 GB, यानी कि इसके अंदर 16 GB रैम हो चुका है। तो इस प्रकार से एक्सटेंडेड रैम से आप रैम को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपके फोन में एक्सटेंडेड रैम है तो आप 4 GB रैम ऐसे बढ़ा सकते हो। और आपके फोन में अगर एक्सटेंडेड रैम वाला ऑप्शन नहीं है तभी भी आप अपने फोन में रैम को इंक्रीज कर सकते हो। तो उसके लिए एक छोटी सी एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे अपने फोन में, जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। इस एप्लीकेशन से आप क्या कर सकते हो, एक बार में 512 MB इंक्रीज कर सकते हो, यानी कि 512 करके आप 1 GB दो बार में रैम इंक्रीज कर सकते हो। ऐसे आप अगर 4 बार करोगे तो 2 GB रैम इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि ये होता है आपके फोन के स्टोरेज को क्या करता है, रैम में कन्वर्ट करता है। और जो एक्सटेंडेड रैम होता है वो भी आपके स्टोरेज को क्या करता है, कन्वर्ट करता है रैम में। तो ये एप्लीकेशन भी वही काम करता है जो एक्सटेंडेड रैम काम करता है। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो 512 जो MB है यहाँ पे मैं करूंगा क्रिएट स्वैप पे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना यहाँ पे एक ऐड देखना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे फ्री वाला यूज कर रहे हैं, कोई परचेस नहीं है तो हमें ऐड देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे छोटा सा ऐड देख लेते हैं। जैसे ऐड स्किप होएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि आपका जो रैम था उसे कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे सक्सेसफुल क्या हो गया, कर दिया गया है। अब ओके पे क्लिक कर देना है। और आप अगेन करना चाहते हो 512 तो यहाँ पे अगेन कर सकते हो। ऐसे कर करके आप 4 GB रैम इंक्रीज कर सकते हो अपने डिवाइस में। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जितना आपके फोन में स्टोरेज खाली होगा उतना ही आप इसके अंदर इंक्रीज कर सकते हो, उससे ज्यादा आप इंक्रीज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप भी अपने फोन में रैम को इंक्रीज करके यूज कर सकते हो। ज्यादा रैम रहेगा तो आपके फोन में ना लैग की प्रॉब्लम आएगी ना ही हीटिंग की प्रॉब्लम आएगी, आप हाई ग्राफिक्स की भी गेम खेल सकते हो अपने फोन में। तो कैसा लगा आप लोगों को ये ट्रिक रैम बढ़ाने वाली, तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो बनती लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।